सबसे पहले चुनावी खबरें फटाफट अंदाज में। एमपी के सागर पहुंचे पीएम मोदी, पगड़ी पहनाकर सागर में पीएम का हुआ स्वागत। कांग्रेस एसटी एससी और ओबीसी का आरक्षण खत्म करना चाहती है, सागर में बोले पीएम मोदी, कांग्रेस के समय राज्य बीमारू था। 3 करोड़ महिलाएं बनेगी लखपति, सागर में बोले पीएम मोदी, गरीबों को राशन की चिंता करने की जरूरत नहीं। पीएम मोदी का कांग्रेस पर बार, कांग्रेस की नजर आपकी संपत्ति पर, आपकी विरासत पर टैक्स लगाकर छीनना चाहती है कांग्रेस। छत्तीसगढ़ दौरे के दूसरे दिन अंबिकापुर में पीएम मोदी ने भरी चुनावी हुंकार, छत्तीसगढ़ी भाषा में अंबिकापुर की जनता का अभिवादन किया। महतारी वंदन योजना को लेकर बोले पीएम मोदी, सभी माताओं बहनों को इस योजना का मिल रहा पूरा लाभ, रॉकेट की तरह सीएम विष्णुदेव साय छत्तीसगढ़ में कर रहे काम। पीएम मोदी कांग्रेस पर निशाना साधते हुए बोले, सत्ता के लालच में कांग्रेस ने किया देश को बर्बाद, कांग्रेस सरकार के समय चरम पर था आतंकवाद। कांग्रेस पर पीएम मोदी का प्रहार, कहा कांग्रेस के घोटालेबाजों पर जिस तरह एक्शन हो रहा वो पूरा देश देख रहा, अगर भारत शक्तिशाली हो गया तो कुछ ताकतों का खेल बिगड़ जाएगा। पीएम मोदी के मुसलमानों पर दिए गए बयान पर अजहरुद्दीन ओवैसी ने उठाया सवाल, मोदी की केवल एक ही गारंटी है, मुसलमानों से नफरत करना। केरल में बोले केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह, कांग्रेस और कम्युनिस्टों ने आतंकवादियों को दी पनाह, हम एकता और विकास करने के लिए प्रतिबद्ध। केरल में बोले अमित शाह, ये चुनाव भारत को दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनाने का चुनाव है, ये 3 करोड़ लखपति दीदी बनाने का चुनाव। जेपी नड्डा ने बिहार में जनसभा को किया संबोधित, कहा लोगों की राजनेताओं को लेकर बदली सोच, आज साधारण व्यक्ति भी विकसित भारत के संकल्प के लिए साथ चलने को तैयार। भोपाल में पीएम मोदी के रोड शो से पहले पीसीसी चीफ जीतू पटवारी ने किया कटाक्ष, कहा प्रधानमंत्री मोदी एक शोमैन। जीतू पटवारी ने बीजेपी पर आरोप लगाया, बीजेपी सरकार को बताया सरकारी माफिया, जो केवल नेताओं को अपनी पार्टी में शामिल करने के लिए काम करती है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने किया बड़ा दावा, कहा कांग्रेस के क्रांतिकारी घोषणा पत्र को देखकर घबरा गए हैं पीएम मोदी। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने पीएम मोदी पर बोला तीखा हमला, कहा नरेंद्र मोदी कहते हैं हर परिवार को दूंगा 15 लाख रुपया, आज वो पैसा कहां है, क्या यही है मोदी की गारंटी। पीएम मोदी के मंगलसूत्र के तंज पर जवाब देते हुए मल्लिकार्जुन खड़गे का बयान, भारत चीन युद्ध में इंदिरा गांधी ने दिया था अपने आभूषणों का दान, क्या भारतीय जनता पार्टी में से कोई दे सकता है ऐसा बलिदान। बसपा सुप्रीमो मायावती ने मेरठ में चुनावी रैली को संबोधित किया, राज्य में बसपा की सरकार बनी तो वेस्ट यूपी को बनाएंगे अलग राज्य, बड़ा ऐलान किया। बिहार में नौकरी, राजद नेता मनोज कुमार झा का बड़ा बयान, नौकरी पर बिहार में बच्चे बच्चे से नौकरी का मतलब पूछोगे तो बोलेंगे तेजस्वी यादव का नाम। यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कांग्रेस गरीब विरोधी और पिछड़ा विरोधी पार्टी है, पार्टी के असली चरित्र को प्रधानमंत्री मोदी ने उजागर कर दिया है।